बाहर का एक और मौसम गुजर जाएगा एक और साल गुजर जाएगा और हम बसंत के सिर्फ ख्वाब देखते रह जाएंगे और हमारे यहाँ ज़रा फेस्टिवल्स की बात करते हैं तो फेस्टिवल्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ ये रह गया है कि जी हम किसी फूड फेस्टिवल किसी कोक फेस्ट पे जाके खाना ठूंस लेंगे और खड़े होके जो है ना कुछ म्यूजिशंस को परफॉर्म करते देख लेंगे तो फेस्टिवल्स अनफॉर्चुनेटली जो है वो इन अ वे ख़त्म ही हो चुके हैं और बसंत एक ऐसा फेस्टिवल हुआ करता था जो कि पूरे साल की सबसे बड़ी फैमिली गैदरिंग का ज़रिया बना करता था एक ऐसा फेस्टिवल जिसमें रंगों की भरमार होती थी जिसमें पूरे पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों से लोग अपनी फैमिली के साथ जो है पतंगे उड़ाने एक जगह जमा हुआ करते थे और एटलीस्ट इस फेस्टिवल में लोगों को ये नहीं होती थी कि यार हमारी फैमिली बाहर कहीं फिर रही है और कहीं लड़के आके उनको छेड़छाड़ ना करें या उनको तंग ना करें या उनके साथ बदतमीजी ना करें जो कि आपके फूड फेस्टिवल्स पे एक बड़ा नॉर्मल सी चीज़ है और उसके साथ साथ ये हमारे कल्चर का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका था जिसे अभी आप अगर आप जाके यूनेस्को की वेबसाइट पे देखें ना तो वहाँ तक बसंत का मैंशनड है कि वो पाकिस्तान में की जाती है और अनफॉर्चुनेटली हमने वो सब कुछ गवाह बैठे क्योंकि हम बसंत को रेगुलेट नहीं कर पाए ये एक ऐसा इवेंट था जिसकी वजह से हज़ारों क्या लाखों लोगों को रोज़गार मिला करता था और इस इवेंट के लिए लोग लिटरली बाहर से पाकिस्तान आया करते थे मैं अभी भी अब मुझे अच्छी तरीके से याद है कि लोग यूके यूएसए और यूरोप से वापस पाकिस्तान आया करते थे कि हम बसंत सेलिब्रेट करना चाहते हैं आप इमेजिन करें कि एक कैसा इवेंट होता था जिस पर हर बंदा इक्वली इंजॉय करता था और इट ये मैटर नहीं करता था कि आपके पास पैसे हैं या नहीं हैं हर बंदे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती थी इस फेस्टिवल को अपने टर्म्स पे इंजॉय करने की और अफसोस की बात यह है कि ये त्यौहार ये कलरफुल फेस्टिवल जो कि हमारी पहचान था ये हमसे इसलिए छीन लिया गया कि अथॉरिटीज़ इसको कंट्रोल और रेगुलेट नहीं कर सकती थी हम बहुत सी चीज़ों में बहुत ज़्यादा बदकस्मत हैं लेकिन एक ऐसी चीज़ जो कि हमारी अपनी थी और हमारी पहचान थी जिसमें हम बहुत फ़खर से इसे जिसे इन्जॉय किया करते थे जिससे हम पूरी दुनिया में जिसका चर्चा होता था, था हमारी वजह से वो हमसे ले लिया गया और कितने साल हो गए हैं अब सिर्फ यादें हैं उन दिनों की उन सालों की जिसमें हम सारे मिलके के जमा होके जो है ये सेलिब्रेट करते थे और अफसोस होता है यार सिर्फ सोच के भी के अब हम सिर्फ अपने फ़ोनस तक रह गए हैं फैमिलीज़ की गेट ना ख़त्म हो चुकी हैं इस वजह से क्योंकि कोई इवेंट्स ऐसे हैं ही नहीं जिन पे आप बाहर निकल सकें ज़्यादा से ज़्यादा आप सिर्फ खाना खाने के लिए बाहर निकलते हैं ठीक है खाना वो पे वीकेंड पे आप जाके खाना खा के वापस आ जाते हैं आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ फैमिलीज़ एक दूसरे के साथ वो टाइम स्पेंड करती हैं माँ बाप बच्चे अपने माँ बाप के साथ कोई टाइम स्पेंड करते हैं आई डोंट थिंक सो क्योंकि हमारे पास कुछ एक्टिविटीज़ ही नहीं रही हैं कि हम इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करें एंड uh, दूसरी चीज़ ये है कि चूँकि बाहर पार्कस और स्टेडियम uh, दर फैसिलिटीज़ नहीं हैं तो आप क्या समझते हैं कि बच्चे फिर कहाँ जाके ये वो बच्चे आप बच्चों को छोड़ो बड़ों को बड़ों की बात करें वो कहाँ जाके अपना टाइम स्पेंड करेंगे ठीक है पूरा दिन आप फ़ोन पे पबजी क्यों ना खेलें आप कभी बार मैं हैरान होता हूँ जब पबजी और इस तरह की ऐप्स बैन हो जाती हैं तो मैं कहता हूँ यार कि हमारे पास है क्या चीज़ इस इन फ़ोनस और लैपटॉप्स के अलावा जो हम एक्चुअली इंजॉय कर सकें ठीक है एंटरटेनमेंट का कोई जरिया हो बाहर तो आप जाके बाहर निकलेंगे ना लोगों की हेल्थ अफेक्ट होती जा रही है शुगर और सारी जितने भी बीमारियां हैं वो बढ़ती जा रही है। हैं बस वजह से क्योंकि हम घर के अंदर बैठे हुए हैं ठीक है कोई आउटसाइड एक्टिविटी है ही नहीं और जब ऑब्वियसली कोई फैसिलिटी नहीं होगी तो आउटसाइड एक्टिविटी कैसे करेंगे अब बहुत से लोग मुझ पर अटैक करेंगे ये बसंत की बातें कर रहे हैं काइट फ्लाइंग से जो है लोगों के गले कट जाते हैं ये वो यार बात सुनो एक तो ये सेंटीमेंट के ऊपर ना जिंदा ना रहा करो ठीक है हमारे यहाँ ना आवाम सेंटीमेंट पे ज़िंदा रहने का बड़ा शौक़ है लोगों को फर्स्ट नंबर टू रेगुलेशन का नाम सुना आपने रेगुलेशन क्या होती है किसी चीज़ को रेगुलेट करना क्या होता है कि आप कंट्रोल करते हैं आप एक चीज़ को मॉनिटर कर करके देखते हैं यार कि ये इसमें क्या फ्लॉज हैं और हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम सबको पता है कि यार अगर ये तार आपके गले पे फिरती है या आपके किसी भी फेस पे या आपके बॉडी के हिस्से पे फिरती है तो आपको बहुत बुरी तरीके से काट सकती है लोग मर भी सकते हैं इसमें कोई शक नहीं है लेकिन बात यह कि रेगुलेशन इसी इसी चीज़ को हम रेगुलेशन कहते हैं कि आप इस तरह का फेस्टिवल सिर्फ पार्कस तक महदूद रखें ठीक है साल में आपने एक इवेंट कराना है आप कहें यार कि ये 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 इस्लामाबाद का एफ पार्क में होगा रावलपिंडी का यू पार्क में होगा आप उसे रेगुलेट करें और सिर्फ लोगों को इस जगह से उड़ाने की के लिए अलाउ करें कैसे हो सकता है कि आप उसे रेगुलेट ना कर पाए अगर आपको तब भी लगता है कि लोग ट्राई करेंगे अपने घरों से उड़ाने की पचास पचास हजार एक एक लाख का फाइन डालें आप उन लोगों पर आप कैसे हो सकता है यार कि एक बंदा जब लाख रुपए का फाइन सुनेगा ना तो दस दफा सोचेगा जाके अपने अपने घर से पतंग उड़ाने का क्योंकि आपको पता है यार घर से जब पतंगे उड़ेंगी वो डोर कहीं भी फिर सकती है कहीं भी स्ट्रीट में है कोई बंदा उससे गुजर रहा है तो नुकसान हो सकता है जब तो आप इस चीज़ को कंट्रोल कर लेंगे तो हमें एक अपना एक अपना हमारा इवेंट वापस मिल जाएगा जिसमें मैं मैं इसलिए इसको इतन, इस तरह इतना ज़्यादा इस तरह बात कर रहा हूँ इतने इमोशनल होकर बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस इस इवेंट का हिस्सा हुआ करता था मेरा बचपन इस चीज़ में गुजरा है यार हम पूरा पूरा दो दो तीन तीन महीने तैयारी किया करते थे यार के बसंत हो रही हमारे कजनस आया करते थे डिफरेंट शहरों से एक जगह सारे लोग जमा हुआ करते थे लेकिन अफसोस अफसोस के साथ कहना पड़ता है यार कि सब कुछ ख़त्म हो गया वो कज़न्स अब ना आते हैं साल के साल जब तक शादियाँ नहीं होती उन कज़न्स की शक्ल देखने को नहीं मिलती वो उन फैमिली मेम्बर्स को के बारे में पता नहीं चलता कि ज़िंदगी में वो क्या कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली मतलब आप अनफॉर्चुनेटली मतलब अब आप सिर्फ महदूद रहेंगे जब तक किसी की शादी होगी तभी जो है ना लोग मिलेंगे सो so सैट क्या क्या यार कितने कितने अफसोस की बात है हैं कितने अफसोस की बात है कि हम सिर्फ शादियों तक महदूद रह गए हैं चार साल में पाँच साल में किसी एक की शादी होगी तब जाके शादी में पता चल रहा था ओ जी ये तो यहां से यहां पहुंच गए क्या यार क्या आप वो भी छोड़ें हमारे यहां टूरिज्म बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है आप इमेजिन करें कि कितना बंदा हम कितनी टूरिज्म हम प्रमोट कर सकते थे जस्ट अगर इस एक फेस्टिवल के थ्रू सिर्फ़ एक फेस्टिवल के थ्रू ठीक है पाकिस्तान वाइड एक फेस्टिवल होता जिसमें हम इसे इस लेवल पे प्रमोट करते कि बाहर से लोग जो है ना इसको देखने आते जो कि पहले आया करते थे तो आप में से बहुत से लोग होंगे जिस चीज़ को जानते हैं कि आपके कज़र्ज आपके फैमिली मेम्बर्स जो है वो यू के यू एस ए में अगर थे तो वो यहाँ पर वापस आया करते थे सिर्फ एक फेस्टिवल के लोगों से हम मिल भी लेंगे और इस फेस्टिवल का हिस्सा बन जाएंगे ये इतना बड़ा फेस्टिवल था बाय द वे कुछ भी नहीं है यार हमारे पास कुछ हो तो बंदा कहना यार अब कुछ अब है ही नहीं क्या पूरे दिन बैठ के पब्जी खेलते हैं ठीक है पूरे दिन बैठ के गेमिंग करते हैं क्या क्या जिंदगी है यार है क्या है क्या जिंदगी लोगों को पता ही नहीं है यार फेस्टिवल होता क्या है लोगों को आइडिया ही नहीं कि फेस्टिवल क्या होता है मैं आ, सही बात यह यार कि मैं ना अब जरा तंग आ चुका हूं सही बात यह कि मैं एज अ सिटीजन मेरा हक बनता है कि मैं इस चीज को इस चीज़ पे अवेयरनेस क्रिएट करूँ इस चीज़ को रेज़ करूँ यार के आ, आ, ये एक ऐसी चीज़ थी जिसके थ्रू मैं और मेरा भाई इतने क्लोज़ एक दूसरे के हुए ठीक है ये वो चीज़ है जिसके वजह से मैं और मेरे कजन्स की इतनी अच्छी इतनी अच्छी यादें हैं और आज भी हम सोच के सिर्फ कहते हैं यार कि काश वो दिन वापस आ जाए तो क्यों मैं इस चीज़ को रेज़ ना करूं क्यों मैं अपने ही कल्चरल हेरिटेज को की बात करूं और मैं कहूं यार के एक ऐसी चीज़ थी जो कि मेरे कल्चर का हिस्सा थी एक ऐसी चीज़ जो कि हम मिलके सेलिब्रेट किया करते थे ठीक है क्यों वो रेगुलेट नहीं हो सकती और क्यों वो वापस नहीं आ सकती और क्यों हम इतने इनकॉम्पिटेंट हैं कि हम एक साल में एक फेस्टिवल भी ना कर पाएँ यार एक फेस्टिवल भी हम ऐसा ना कर पाएं जिसमें हम सारे जमा हो जाएँ अफसोस सिर्फ अफसोस के साथ अफसोस के अलावा मुझे कुछ भी नहीं है खैर मैं सिर्फ उम्मीद रख सकता हूँ कि टाइम के साथ ये चीज़ चेंज हो लोगों को अकल आ जाए यार कि कितना इम्पॉर्टेंट है अपने कल्चर को जिंदा रखना कितना इम्पॉर्टेंट है अम और अगर आपके जो ख्याल हैं मैं आई लग मैं कभी मैं कभी भी अपने वीडियोस में वन साइडेड ओपिनियन नहीं रखता कि जी अगर मेरा ओपिनियन है तो मैं दूसरों के सपने करूँगा अगर आपका कोई ओपिनियन है आप समझते हैं येस और नो इस आप इसके फेवर में हैं या इसके फेवर में नहीं है तो लेट मी नो इन द कामेंट्स बिलो और मैं इस वीडियो को इस उम्मीद के साथ एंड करता हूँ कि किसी एक दिन हम बसंत को रेगुलेट करके इसे वापस ला सकें थैंक यू फॉर वॉचिंग आई कैच यू इन द नेक्स्ट वन बाय